नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। आज मैं लेके हूं आपके लिए इंग्लिश का आंसर की जो आपका एग्जाम अभी भी हुआ है, इसका कोड जो था वो था 001, 002 और 004। तो अगर आपके पेपर का कोड ये है तो सीबीएसई का ऑफिशियल आंसर की आ चुका है। ये आंसर की आपके सीबीएसई द्वारा जारी किया गया है। तो चलिए मैं आपको जल्दी जल्दी आंसर बताता हूँ। फर्स्ट का आंसर आपको सी था, फर्स्ट का आंसर सी था आपका। सेकेंड का आंसर ए था आपका। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बी था। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका सी था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सी था। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर डी था। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर डी था। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ए था। क्वेश्चन नंबर 9 पे आपको बी पे टिक करना था। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको सी पे टिक करना था। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ए था। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सी था। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर था बच्चों वो ए था। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो था वो बी पे आपको टिक करना था। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको सी पे टिक करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका बी आंसर था। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जो था वो डी था। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर सी था। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपको डी पे टिक करना था। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बी था। 21 का आंसर सी था। 22 का आंसर बी था। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर जो था वो डी था। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बी था। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर जो था वो बच्चों बी था। क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर था वो सी था। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर जो था वो ए था। 28 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर सी था। क्वेश्चन नंबर 29 पे जब आप आओगे तो उसका आंसर बी था। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर जो था वो डी था। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ चुका हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर सी था। 32 का आंसर डी था। क्वेश्चन नंबर 33 पे आपको सी पे टिक करना था। 34 पे बी पे आपको टिक करना था। 35 का आंसर सी था। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आपको डी पे टिक करना था। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको बी पे टिक करना था। 38 में आपको डी पे टिक करना था। 39 में आपका सी करेक्ट आंसर था। 40 का आंसर आपका बी था। 41 का आंसर आपका डी था बच्चों। 42 का आंसर आपका सी था। 43 का आंसर आपका बी था। 44 का आंसर आपका सी था। 45 का आंसर जो था वो ए करेक्ट आंसर था। नाउ 46 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर ए था। क्वेश्चन नंबर 47 में आपको सी पे टिक करना था। 48 में आपको डी पे आंसर टिक करना था। 49 में जो आंसर था वो बी था। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर जो था वो सी था। 51 में आपको डी पे टिक करना था। 52 में आपको सी पे आंसर टिक करना था। 53 का जो आंसर था करेक्ट आंसर वो सी था। 54 का आंसर आपका करेक्ट आंसर बी था। 55 का आंसर डी था। 56 की बात करें इसका आंसर ए था। 57 का आंसर आपका सी था। 58 का आंसर आपका डी था। 59 क्वेश्चन का आंसर बी था और अंतिम क्वेश्चन जो 60 था उसका आंसर डी था। तो इस प्रकार के ऑफिशियल आंसर जो सीबीएसई द्वारा जारी किए जाते हैं वो बार बार मैं अपलोड करता हूं। तो इस प्रकार का आपको अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले आपको आंसर की जो ऑफिशियल आंसर की है वो आप तक पहुंच जाए। नमस्कार, जय हिंद।